हाय माय लवलीज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ टॉप 5 मेकअप प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रांड शुगर कॉस्मेटिक्स। सो या मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं ना इस तरह की वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि एक पर्टिकुलर ब्रांड के कौन से अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं। यू कैन इमेजिन, शुगर के ऑलमोस्ट मैंने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, बट उनमें से 5 ऐसे प्रोडक्ट्स जो मुझे अच्छे लगे हैं, जो लिटरली मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ, वो इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और आगे इस तरह के काफ़ी सारे वीडियोज़ आप मेरे चैनल पर देखने वाले हो, टॉप 5 फ्रॉम ब्रांड मेबेलिन, लोरियल, जो भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं उनको हम कंसीडर करेंगे। सो या मेक श्योर कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। एंड मेरे चैनल पे नए हो, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। आई वांट माय 50K फैमिली वेरी सून, एंड वो आप लोगों की हेल्प के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को जरूर से हिट कर दीजिएगा। एंड आई एम डैम श्योर कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप शुगर कॉस्मेटिक्स के कोई प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहते हो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, लेट मी क्लियर यू, दिस इज नॉट स्पॉन्सर वीडियो। कोई ब्रांड ने मुझे नहीं बोला है कि मेरे प्रोडक्ट्स को आप अच्छा बताओ। लिटरली मुझे लगता है कि अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो या विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। फर्स्ट प्रोडक्ट है शुगर का, जो मैं रीपर्चेज करती रहती हूँ। मतलब हम किसी रैंडम ऑर्डर में नहीं जाएंगे, मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब इनमें से मैं किस कैटेगरी में, किस पोजिशन पे कौन सी प्रोडक्ट को रखूंगी। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है जो लिटरली मैं रीपर्चेज करती रहती हूँ, वो है शुगर की पेंसिल। एंड लिटरली मतलब अगर आप एक ऐसी काजल पेंसिल ढूंढ रहे हो जो स्मच प्रूफ हो, वाटर प्रूफ हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, एंड अगर आपने एक बार लगा लिया ना, मतलब फॉर्मूला इतना जेट ब्लैक है कि अगर आपने एक बार लगा लिया ना, तो आपको 8 से 9 घंटे देखने की भी जरूरत नहीं है, इतना सुपर इनका काजल है। तो थोड़ा सा प्राइजी है, आई थिंक 449 का है। अमेजोन से ही मैं ऑलमोस्ट शुगर की प्रोडक्ट्स परचेज करती हूँ, क्योंकि वो अमेजोन पे क्या है, थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। सो या दिस इज द काजल पेंसिल, एंड दिस इज स्ट्रॉक, सॉरी, दिस इज स्टॉक ऑफ जीनियस हैवी ड्यूटी कॉल पेंसिल, एंड आई एम इन द शेड 01 बैक टू ब्लैक। एंड ये कुछ ना इस तरह की काजल पेंसिल आती है, मतलब इसके साथ आपको शार्पनर मिलेगा। तो ये ना, इसका फॉर्मूला आप देखो कितना सुपर्ब है, मतलब एक स्ट्रोक में इतना जेड ब्लैक कलर आपको देता है। एंड अगर मेरे पास का स्टॉक बताऊँ ना, तो ये 2 काजल पेंसिल है शुगर की, एंड ऑलरेडी मैं इनको ख़त्म कर चुकी हूँ, एंड दिस इज़ माय थर्ड परचेज। इतना सुपर मुझे ये प्रोडक्ट लगता है कि जब भी मुझे लगता है ना ख़त्म हो गया है, तो मैं इसी को ही बाय करती हूँ। सो या, और बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगी आंखों को, अगर आपकी सेंसिटिव आइज है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रांड शुगर कॉस्मेटिक्स। नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो मुझे शुगर का काफ़ी अच्छा लगता है, नंबर 2 पे मैं जिसको रखूंगी, दैट वन इज़ शुगर का ट्रांसलूसेंट पाउडर। आपने बहुत सारे वीडियोज़ में मुझे इसको यूज़ करते हुए देखा होगा। लिटरली मतलब कोई भी स्किन टाइप हो आपका, कोई भी स्किन टोन हो, आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आपको मिलता है, एंड यहाँ पे आपको स्पॉन्ज मिल जाता है जिसके साथ की आपको प्रोडक्ट यूज करना होता है। एंड से दिस, मतलब इतना फाइन पाउडर है, इतनी प्यारे से ये आपके फाउंडेशन को सेट करता है, ऑयल को कंट्रोल कर देता है, ऑयल को आने नहीं देता है। और क्या चाहिए यार, मतलब आप देखो हाथों की फिनिश आप देख सकते हो, ये साइड और ये साइड। तो अगर आपको फाउंडेशन नहीं भी अप्लाई करना है ना, तो आप जस्ट अपने जो भी डार्क सर्कल्स है, आपके एक्ने स्कार्स है, उसको आप जो हम कंसीलर यूज़ करते हैं वो यूज़ करके, एंड जस्ट आप ये सेटिंग पाउडर यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एंड पैसा वसूल है। लाइक मैं इसको 6-7 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, अभी भी इनफेक्ट मेरा इतना बचा है, हाफ से भी ज़्यादा है। तो मुझे लिटरली लगता है ना कि मेकअप नहीं करना है, तो मैं जस्ट इसको टच करके अपने फेस पे, एंड आई एम रेडी टू गो। लाइक कोई भी मेकअप वेकअप की नीड नहीं होती है। सो या, ये भी आप जरूर से ट्राई कर सकते हो शुगर का। इनफैक्ट मेरे पास शुगर का बनाना पाउडर भी है, एंड इसको भी मैंने काफ़ी अच्छे लेवल में यूज़ कर लिया। आप देखो, मतलब पूरे पैन को मैंने हीट कर लिया है, ये भी काफ़ी अच्छा है। बट इसका साथ क्या प्रॉब्लम है कि आप इसको नॉर्मली लगाओगे ना, तो आपका फेस थोड़ा सा केकी लगेगा, मतलब लगेगा कि आपने कुछ लगाया हुआ है। जितनी प्यारी फिनिश लुक ये देता है, एकदम नेचुरल लुक ये जो प्रोवाइड करता ना, वो ये नहीं करता। इसके साथ थोड़ा सा आपको अच्छा मेकअप करना होगा, या फिर आप कोई अच्छे पार्टी फंक्शन में जा रहे हो ना, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। सी दिस, इसकी कवरेज और इसकी कवरेज आप देखिए, थोड़ी सी हाई कवरेज देता है, बट ये फाउंडेशन के साथ अच्छा लगेगा, और इसको आप नॉर्मल डेली में भी अप्लाई कर सकते हो। सो बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी फॉर्मूला ये भी बहुत प्यारा है, अच्छी कवरेज। इसके बाद जो थर्ड पोजिशन में
मैं रखूंगी दैट वनी शुगर का ये एक छोटू सा मिनी पैलेट. इसके अंदर आपको ब्लश मिल जाता है, हाइलाइटर एंड ब्रॉन्जर मिल जाता है. तो दिस इज पैसा वसूल वाला प्रोडक्ट, 799 का है, बट तीनों शेड आपको इसके अंदर मिल जाते हैं. इनफैक्ट इसके अंदर और रेंज भी है, बट मेरे पास जो शेड है दैट इज 02 विविड विक्ट्री. तो दिस इज ब्रॉन्जर, दिस इज हाइलाइटर एंड दिस इज ब्लश. तो मैं पिगमेंटेशन भी आपको साथ साथ में दिखा देती हूँ. ये है इसका ब्लश, ये है इसका हाइलाइटर. हाइलाइटर भी बहुत प्रिटी है गाइस, सी बहुत फाइन सा है, बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स वगैरह नहीं है. एंड दिस इज ब्रॉन्जर. ब्रॉन्जर थोड़ा सा लाइट शेड में है, बट यस मतलब एवरीडे मेकअप के लिए काफ़ी अच्छा है. बहुत ज़्यादा अगर आपको कंटूरिंग नहीं करनी है तो बहुत अच्छी पैलेट है ये. पैसा वसूल है, एक पैलेट को आप ले लीजिए, आपको अलग अलग से प्रोडक्ट नहीं परचेज करने पड़ेंगे. एंड सबसे अच्छी बात, पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है. एंड वी ऑल नो कि शुगर के प्रोडक्ट्स अच्छे आते हैं, तो आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो. एंड 800 की रेंज में अगर आपको तीन प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं एक ही पैलेट में, ट्रैवल फ्रेंडली है, अलग अलग से प्रोडक्ट आपको लेके जाने की नीड नहीं है, सिर्फ ये पैलेट लिया एंड यू आर रेडी टू गो. सो या ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है. इसके और भी शेड्स है, 01 है, आई थिंक 03 भी अभी लॉन्च हो गया है, बट मेरे पास ये 02 वाला, ये वाला. सो या उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं शुगर के, आप मेरे पास कलेक्शन देख के समझ जाओगे. ये है शुगर के क्रेयॉन्स एंड मेरे पास फिलहाल अभी 4 से 5 है, एक मुझे नहीं मिल रहा है, कहाँ रख दिया मैंने. लिटरली मुझे कोई भी पूछता ना यार कोई अच्छी सी लिपस्टिक सजेस्ट करो जो लंबी रहे, कैकी ना लगे, अच्छा लगे, फॉर्मूला अच्छा हो उसका, तो मैं सबको शुगर के क्रेयॉन्स ही रिकमेंड करती हूँ. थोड़े से कॉस्टली है, 799 की रेंज के हैं, बट यस वर्थ बाइंग है. मतलब आप देख सकते हो ना मैंने कितना कितना यूज़ कर लिया, छोटू छोटू सी बची है मेरे पास सब. तो शेड्स भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है मेरे पास एंड फॉर्मूला इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. एंड सबसे बड़ी बात ना कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब अगर आपने एक बार लगा लिया ना तो 5 से 6 घंटे अगर आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, तो भी वो एज इट इज़ रहती है, बिल्कुल नहीं निकलती है. सो ये कुछ इस तरह के शेड्स है. सारे शेड्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो. तो कुछ लाइट है, कुछ डार्क शेड है मेरे पास, बट यस वर्थ बाइंग है. सी पिगमेंटेशन आप देखो कितनी प्यारी है, लिप्स पे आप लगाते हो ना इतना लाइट लगता है, बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपके हैवी लग रहे हैं या केकी लग रहे हैं. या लिटरली अगर अभी तक आपने शुगर के क्रेयॉन्स नहीं यूज किए हैं तो मेरे कहने पे एक बार जरूर से यूज करके देखिए. एक बार अगर आपने यूज कर लिया ना आप फैन हो जाओगे, उसके बाद आपको कोई अदर लिपस्टिक अच्छी नहीं लगेगी, इतना अच्छा फॉर्मूला है एंड लॉन्ग लास्टिंग तो है ही है जैसे मैंने आपको बताया था. सो या ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट जो लिटरली शुगर का मुझे अच्छा लगता है. एंड उसके बाद जो 5th पोजीशन पे मैं आपको रखूंगी दैट वन इज शुगर का ये प्राइमर. एंड इसकी सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि सिलिकन बेस्ड प्राइमर है. तो अगर आपकी ऑयली स्किन है और लिटरली बहुत ज़्यादा पोर्स है, ये क्या करता है आपके पोर्स को एकदम ब्लर आउट कर देता है. जैसे आप अप्लाई करोगे ना, इसका फॉर्मूला मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम जो होता है ना जेल जेल एकदम सिलिकन टेक्सचर का, कुछ इस तरह का इसका फॉर्मूला है. एंड अगर मैं हाथ पे लगा के आपको दिखाऊं तो सी दिस की स्मूथनेस आई थिंक आप फील कर सकते हो, इतना ज़्यादा स्मूथ है, एक लेयर दे देता है फेस पे और जितने भी पोर्स वगैरह है ना उसको पूरे को अच्छे से ब्लर आउट कर देता है. मतलब एकदम स्मूथ लगती है स्किन इसको लगाने के बाद. सो अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है और एक अच्छा सा प्राइमर आप ढूंढ रहे हो एंड आपकी ऑयली स्किन है, सारे प्राइमर्स आप ट्राई करके थक चुके हो ना, तो आप एक बार इसको ट्राई कीजिए. एकदम मैटिफाई फिनिश है इसकी, मतलब बिल्कुल भी स्किन पे ग्लॉसी या एकदम कैकी टाइप का नहीं लगता है. जो प्रॉपर फॉर्मूला होता है ना, जो एक स्मूथनेस होती है स्किन को मिलनी चाहिए मेकअप से पहले, वैसी पैम्परिंग करता है ये स्किन को. बट यह सिलिकन बेस्ड प्राइमर आपको मार्केट में और भी मिल जाएंगे. ये थोड़ा सा कॉस्टली है, 799 का है, बट उतना ही पैसा वसूल है. एंड दिस इज माई सेकेंड परचेज एंड बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी आपको लेनी होती है, पूरे फेस पे अच्छे से ब्लर आउट हो जाता है, सारे पोर्स को ब्लर कर देता है. सो या गाइस दीज आर सम प्रोडक्ट्स जो लिटरली मुझे लगता है कि शुगर के वर्थ बाइंग है, थोड़े से कॉस्टली होने के साथ साथ भी पैसा वसूल वाले प्रोडक्ट्स हैं. सो या अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा. एंड इस तरह के और भी प्रोडक्ट्स जो टॉप 5 पर्टिकुलर ब्रांड्स के आप चाहते हो तो ब्रांड का नाम एंड प्लीज मुझे बताइए कि इस तरह के और वीडियोस में लेके आऊं या नहीं लेके आऊं. सो या गाइस मिलते हैं अगेन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय.